आज के इस एपिलेप्सी कॉन 2023 समारोह में उपस्थित डॉक्टर सुधीर भंडारी जी, कुलपति राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, डॉक्टर आर के श्वेका जी, अध्यक्ष आयोजन समिति, डॉक्टर वी मिनगामा जी, डॉक्टर मनमोहन मेहंदी हत्ता जी, डॉक्टर गगनदीप सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन मेहंदी हत्ता जी, मेरी रोग के उपचार से जुड़े समस्त चिकित्सकगण, सभागार में उपस्थित अन्य चिकित्सकगण एवं गणमान्य जन, मीडिया के मेरे साथियों एवं छायाकार बंधु, यह बहुत ही सुखद है कि आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में इस मंथली कॉन्फ्रेंस में आप सभी के साथ यहाँ उपस्थित होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं समझता हूँ इस तरह की जो संगोष्ठियाँ हैं उनका इस रूप में बड़ा महत्व है कि इनके जरिए किसी विशेष रोग से जुड़े ज्ञानार्थ लोगों का परस्पर आदान प्रदान होता है और इससे ही भविष्य की भी बहुत सी चिकित्सकीय संभावनाओं के नए रास्ते खुलते हैं। मिर्गी रोग बहुत पुराना है, आज बहुत बड़े स्तर पर इस रोग ने लोगों को जकड़ रखा है। गांव में इस रोग को लेकर भ्रांतियां और अंधविश्वास भी बहुत है। मैं समझता हूं इस रोग के उपचार के साथ इसके संबंध में फैली भ्रांतियों को रोके जाने की भी आज सर्वाधिक जरूरत है। मुझे ये बताया गया है कि पूरे विश्व में करीब 50 मिलियन लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं। भारत में भी 10 मिलियन से अधिक मिर्गी रोगी हैं। मेरा यह भी मानना है कि बहुत से स्तरों पर इस रोग से ग्रसित रोगों का चिन्हीकरण भी नहीं होता और इसलिए इस संख्या में भी और अधिक वृद्धि की संभावना है। हर आयु वर्ग में मिर्गी का रोग हो सकता है। मैंने इस बात को करीब से अनुभव किया है कि जब मिर्गी का दौरा पड़ता है तो व्यक्ति असामान्य हो जाता है और जब यह रोग होता है तो अस्थायी रूप में भ्रम उत्पन्न होता है। हमें लगता है व्यक्ति पागल हो गया है। इसका कारण यह है कि इस रोग में व्यक्ति के सोचने की शक्ति मंद हो जाती है। मूलतः यह न्यूरोलॉजिकल रोग है, इसमें दिमाग का कामकाज प्रभावित होता है। कभी कभी मरीज चेतना खो देता है, उसे बेहोशी या फिर बोलने या समझने में दिक्कत होती है और प्रायः यह होता है कि भय चिंता महसूस होने के साथ हाथ पैरों में मरोड़े आती है और व्यक्ति असामान्य दिखने लगता है। ऐसा होने पर गांव में इस रोग को लेकर अंधविश्वास के चलते झाड़ा जलाने, ओझाओं के पास जाने आज का काम भी लोग करते हैं। दौरा पड़ने पर जूता सुहाने, पैर के जूते को सुहाकर मिर्गी को लोग गांव में ठीक करते हैं। आत्माओं के प्रकोप आज की बातें आज के दौर में भी सुनता हूं तो बहुत अचरज होता है कि एक तरफ हम चांद पर पहुंच गए हैं और दूसरी बात भी ऐसे अंधविश्वासों में जी रहे हैं। इसी संदर्भ में मेरी यहां उपस्थित चिकित्सकों से यही अपेक्षा है कि जितना इस रोग के उपचार के लिए कार्य किया जाना आवश्यक है उतना ही इस रोग के प्रति जागरूक करने की भी जरूरत है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि बहुत बार जागरूकता के अभाव में समय पर चिकित्सा नहीं होने से यह रोग बढ़ता है और फिर स्थितियां कई बार नियंत्रण से ही बाहर हो जाती है। अब तो एपिलेप्सी कोई लाइलाज रोग नहीं रह गया। यह समय पर दवाएं दी जाए, उपचार को प्राथमिकता दी जाए तो इस रोग से मुक्ति भी मिल सकती है। चिकित्सकों से मेरा संवाद होता है तो बार बार ये बात सुनता हूं
इस रोग के बारे में बड़ी समस्या है। रोग होने के बावजूद उसे छिपाना, इलाज नहीं करवाना, यह भी माना जाता है कि जो मिर्गी रोगी है उसके बच्चे दिमागी रूप से कमजोर होते हैं। यह सब भ्रम है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने इसे साबित कर दिया है कि मिर्गी असाध्य रोग नहीं है और इसका उपचार यह समयबद्ध होता है तो 80% मामलों में रोगियों के दौरे बंद हो जाते हैं और वह सामान्य जीवन यापन कर सकते हैं। दवा के नियमित सेवन से यह बीमारी नियंत्रण में रहती है, पर कई बार दवा से भी इलाज समुचित नहीं होता है तो ऐसे मरीजों के दिमाग का ऑपरेशन VNS DBS से भी इलाज किया जाता है। मैंने मिर्गी रोग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है और यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि मिर्गी रोग करीब 50 प्रकार का होता है। मूल बात है रोग के मूल को पकड़ना और फिर उसके अनुसार उपचार करना। मिर्गी के उपचार के लिए न्यूरोलॉजिकल परीक्षण जरूरी होता है। इस रोग के उपचार के अंतर्गत डॉक्टर मरीज के व्यवहार, उसे क्षमताओं, मानसिक कार्य या अन्य क्षेत्रों का आकलन करता है और इस आधार पर तय करता है कि उपचार किस दशा और दिशा क्या हो। यह बात सही है कि मेडिकल साइंस ने बहुत प्रगति कर ली है, पर प्रकृति जीवन को संतुलित करती है। प्राकृतिक जीवनचर्या यदि अपनाई जाती है तो बहुत सारे रोगों का उपचार स्वतः ही हो जाता है। मैंने मिर्गी के बारे में भी पता किया है। यदि किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो उसे अपनी दिनचर्या का आकलन करना चाहिए। पर्याप्त नींद लें, योग से जुड़े कुछ आसन इसमें बहुत कारगर हैं। व्यक्ति को जीवन शैली में संशोधन भी करना चाहिए। प्रातःकाल की सैर, नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, नियंत्रित वजन आपके साथ प्राणायाम यदि व्यक्ति करता है तो मिर्गी ही नहीं किसी भी दूसरे असाध्य रोग को दूर किया जा सकता है। इससे व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ भी रहता है। मैंने इस बात को अनुभव किया है कि प्रकृति से हम निरंतर दूर होते जा रहे हैं। आवश्यकता इस बात की भी है कि प्रकृति के निकट रहें, पेड़ पौधों के पास समय बिताएं, अपने लोगों से मिले जुड़े, हर समय मोबाइल में ही आंखें डाले रखने की बजाय यदि परस्पर संवाद और अच्छी किताबों से नाता जोड़ेंगे तो निश्चित ही जीवन भी स्वस्थ रहेगा और रोग आपसे कोसों दूर रहेंगे। यह बहुत अच्छी बात है कि मिर्गी रोग के उपचार से जुड़े देश विदेश से आए हुए 500 से ज्यादा प्रतिनिधि इस 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में इस बीमारी के इलाज के आधुनिक तरीकों, उपचार की नवीन विधियां, स्वस्थ जीवन शैली आपके बारे में चर्चा करेंगे। मैं चाहता हूं इस रोग के उपचार के लिए विश्व भर में जो उत्कृष्टतम शोध और अनुसंधान किया जा रहा है उसे यहां आप सभी एक दूसरे के साथ साझा करें। प्रयास करें कि रोगों उपचार के अपने उत्कृष्ट अनुभवों को यहां साझा करें। रोग निदान की सफलता की कहानियां हैं तो उनका डॉक्यूमेंटेशन किया जाए। इससे मिर्गी रोग के निदान की दिशा में भविष्य को नई दिशाएं प्राप्त होंगी। हालांकि मैं विषय विशेषज्ञ नहीं हूं, परंतु कि मिर्गी रोग आम जन से बहुत अधिक जुड़ा हुआ है इसलिए मैंने भी अपने अनुभवों के आधार पर इसके उपचार और भविष्य की दिशाओं पर अपनी कुछ बातें आपसे साझा की है। उम्मीद करता हूं मेरे कहे के आलोक में आप सभी इस रोग के निदान के साथ इससे संबंधित जागरूकता का प्रसार का कार्य करते हुए समाज को लाभान्वित करेंगे। याद रखिए डॉक्टर को हमारे यहां भगवान की संज्ञा दी गई। डॉक्टर को इसलिए भगवान कहा जाता है कि वह जीवन मृत्यु के मध्य संघर्ष को कम करते हुए बहुत बार अपने उपचार से लोगों की जान बचाता है। वह असाध्य से असाध्य रोगों का उपचार कर लोगों को नया जीवन प्रदान करता है। इसलिए डॉक्टरी पेशा नोबल जॉब है। इसके महत्व को समझते हुए सेवा उद्देश्य को सर्वोपर रखते हुए आप करेंगे और पीड़ित मानवता को अपनी विशेषज्ञता का अधिकाधिक लाभ प्रदान करेंगे ऐसी आप सबसे अपेक्षा है।
आपकी ये कॉन्फ्रेंस सफल हो। इसमें भाग लेने वाले आप सभी प्रतिभागी यहां से अच्छे और सार्थक अनुभव लेकर जाएंगे, ऐसा विश्वास है। जयपुर शहर बहुत ही सकारात्मक दिशा प्रदान करने वाला शहर है, इसको पिंक सिटी भी कहते हैं। पिंक सिटी का मतलब ही सीधे सीधे व्यक्ति के अंदर सकारात्मक भाव निरंतर जागृत होता रहे और उस भाव के अनुरूप अपना आचरण व्यवहार करके आगे बढ़े, उसका तात्पर्य यही होता है। आप लोग जयपुर आए हैं इस प्रकार के सकारात्मक भाव से प्रेरित होकर जिस भी विषय पर चर्चा आप कर रहे हैं और चर्चा को सार्थक स्वरूप प्रदान करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और मिर्गी जैसे रोग को समापन की दिशा में ले जाने में आपका अद्भुत योगदान होगा, ऐसा मैं अनुभव करता हूं। मैं जयपुर में, चूंकि मैं राजस्थान का राज्यपाल हूं, इसे जयपुर में आप सभी देश भर के लोग आए हैं, आप सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।